मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पुलिस के मुठभेड़ में एक दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी को महज 10 घंटे के भीतर ही गोंडा पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई और इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में एक गोली लगी है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म का ये आरोपी है जिसका नाम राजा है, महज 10 घंटे के अंदर इसे गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता हामिद अली से लेते हैं। हामिद अली, क्या है ये पूरा मामला? दुष्कर्म का जो आरोपी है इसे मुठभेड़ के दौरान गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या है पूरी जानकारी? जी, आपको बताना चाहेंगे, ये थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है, जो महाराजगंज राजा मोहल्ला पड़ता है, वहीं की मामला है। और ये मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है इसमें इसको पुलिस ने, क्योंकि ये नगर कोतवाली अंतर्गत का मामला, यानी कि पंकज सिंह नगर कोतवाल है। और एसओजी टीम भी पूरी तरीके से पुलिस अधीक्षक ने लगा रखी थी इस पे, क्योंकि कुछ दिन पहले इसकी मां ने, जो नाबालिग लड़की है, इसकी मां ने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यहाँ तक है कि पुलिस अधीक्षक का दरवाजा भी खटखटाया था, उनसे भी शिकायत की थी इस बात को लेकर। मगर इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा जी ने इसे पूरी टीम गठित कर दी और इसको तत्काल ही 10 घंटे के अंदर इसको मुठभेड़ करके गिरफ्तार कर लिया। यानी कि उसको घायल भी है, जिला चिकित्सालय में उसका इलाज भी चल रहा है। यानी कि इसमें कई लोग भी शामिल थे जिसे पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर ये मुख्य आरोपी था, ये बाहर चल रहा था, इसलिए इसको सरकार की मदद से और इसलिए टीम ने इसको इसके साथ फिर मुठभेड़ हुई। यानी कि मुठभेड़ के दौरान क्या किसी पुलिस कर्मी की भी घायल होने की खबर है क्या? हाँ, एक पुलिस कर्मी के ऊपर अलग इसने फायर किया, कई लोगों ने फायर किया, मगर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसके ऊपर गोली चलाई जिससे पैर में इसके गोली लग गई है। मगर एक मतलब पुलिस कर्मी भी घायल है बताया जा रहा है ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब आपको सुनाते हैं कि गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। जनपद गोंडा में कल कोतवाली नगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक नाबालिग युवती ने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात बताई थी। उसी पे मुकदमा पंजीकृत करके तुरंत थाना कोतवाली नगर एवं एसओजी की टीम को लगा दिया गया था। मात्र 10 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था राजा पुत्र जाने, इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको गोली लगी हुई है, अन्य भी जो इसमें मौजूद रहे हैं जिनकी सहभागिता रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। और ऐसे जितने भी अभियुक्त हैं जो इस तरीके का अपराध करते हैं, लूट डकैती या महिला संबंधी अपराध करते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।